आज हमने एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आई हैव टेकन एंड दिस क्वेश्चन हैज़ बीन आस्क्ड इन यूजीसी नेट 2021, बट माय ऑब्जेक्टिव इज टू एक्सप्लेन ऑल द ऑप्शंस गिवन इन दैट क्वेश्चन। तो आज हमने एक क्वेश्चन लिया हुआ जो यूजीसी नेट 2021 में पूछा गया था, बट एक क्वेश्चन टीजीटी पीजीटी या कोई भी जो लिटरेचर लवर है और किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहा है उसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत डिटेल में मैं कवर करने जा रहा हूँ। अगर आप इस वीडियो को या इस पूरी सीरीज़ को जो आज से मैं शुरू कर रहा हूँ, इफ़ यू गो विद दिस वीडियो, इफ़ यू कवर ऑल द लेक्चर्स एंड यू लिसन दीज वीडियोज वेरी केयरफुली, यू विल गेट सो मेनी क्वेश्चंस इन कमिंग एग्जामिनेशन जो यूजीसी नेट का अगस्त में डेट आई हुई है, उसी समय टीजीटी पीजीटी का होगा। इसी पर्सपेक्टिव से लेकर के मैं कुछ क्वेश्चंस आपके साथ सामने ला रहा हूँ। जो आज का क्वेश्चन है वो ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, इनमें से कौन सा एक चीज़ या एक ऑप्शन गलत है, इनकरेक्ट है। ऑप्शन नंबर वन दे रहा है पिंडर, PINDAR। वी ऑल नो कि पिंडर जो है ग्रीक पोएट थे, और अगर आपको याद होगा कि पिंडर के नाम पर पिंडारिक ओड भी पड़ा हुआ है। उनके सामने जो ऑप्शन दिया जा रहा है दैट इज एपीनिसी, EPINICI। जो एपीनिसी है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। कैसे इम्पॉर्टेंट है एपीनिसी? इस तरह से इम्पॉर्टेंट है कि आप एपीनिसी को समझ सकते हैं कि हियर यहाँ पे एक पिंडर की बात है, पिंडर के बाद यू आर गेटिंग एपीनिसी। एपीनिसी जो होता था एक तरह का ये पोयम होता था। कैसी पोयम है उसको हम आपको डिटेल में बताएंगे, लेकिन पिंडर इज़ एसोसिएटेड विद एपीनिसी, ये कॉन्सेप्ट या ये चीज़ बिल्कुल सही है। सेकेंड ऑप्शन बी दे रहा है मिनांडर, मिनांडर लिरिक पोइट्री से बिलोंग करते हैं, ये ऑप्शन गलत है। मिनांडर पोएट नहीं थे बल्कि वो ड्रामेटिस्ट थे, उन्होंने न्यू कॉमेडी को जन्म दिया है। तो इसका मतलब ये कि जो यहाँ पे लिरिक पोइट्री का ऑप्शन है ये गलत है। मिनांडर के साथ जो ऑप्शन आएगा वो कौन सा ऑप्शन आएगा? न्यू कॉमेडी का ऑप्शन आएगा। उसके बाद है सैफो, सैफो एक पोएट थे, वो लिरिक पोइट्री से बिलोंग करते हैं, बिल्कुल ये ऑप्शन सही है। सैफो के सामने भी क्या आ रहा है? लिरिक पोइट्री। यस सैफो इज राइट आंसर, सैफो लिरिक पोइट्री से बिलोंग करते हैं। ऑप्शन डी है एरिस्टोफेन्स, एरिस्टोफेन्स ओल्ड कॉमेडी आ रहा है। यस एरिस्टोफेन्स एक ड्रामेटिस्ट थे जो ओल्ड कॉमेडी से बिलोंग करते हैं। What I want to tell you कि क्वेश्चन ये पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, इनमें से कौन सा एक असत्य है। पिंडर एपीनिसी सही है, पिंडर एक पोएट थे, उनके नाम पर पिंडारी ओड भी आया हुआ है। एपीनिसी क्या है इसको मैं डिटेल में बताऊंगा। मिनांडर जो है वो एक ड्रामेटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया हुआ था? न्यू कॉमेडी के कॉन्सेप्ट को जन्म दिया था। तो उनके सामने जो ऑप्शन लिरिक पोइट्री है वो गलत है। सैफो एक पोएट थे, उनके सामने जो ऑप्शन लिरिक पोइट्री है वो सही है। एरिस्टोफेन्स ने ओल्ड कॉमेडी को जन्म दिया था, ये बात बिल्कुल सही है। तो एरिस्टोफेन्स के सामने ओल्ड कॉमेडी आ रही है। अब मैंने इस ऑप्शन को लेकर के चीज़ों को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, और बहुत ही डिटेल में मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। इसमें देखिए हेडिंग में डाला गया है नोट, एक्सप्लेनेशन क्या आ रहा है कि जो एपीनिकियस शब्द आया था पिंडर के आके, जो एपीनिसी है, एपीनिसी शब्द जो है एपीनिकियस शब्द से आया है। द एपीनिकियन आर एपीनिसियन, एपीनिकियन आर एपीनिसियन क्या है? द एपीनिकियन आर एपीनिसियन इज अ जानरा ऑफ ऑकेजनल पोइट्री, या एक जानरा है या एक तरह का जो है आप कह सकते कि टाइप ऑफ पोयम है, लेकिन किस तरह का पोयम है? ऑकेजनल पोइट्री का हिस्सा है। एंड व्हाट इज ऑकेजनल पोइट्री? ऑकेजनल पोइट्री इज अ टाइप ऑफ पोइट्री विच इज रिटन ऑन अ पार्टिकुलर ऑकेजन। और ऑकेजनल पोइट्री में और कौन कौन सी चीज़ आ सकती है? जैसे अगर हम बात करें एलिजी की, तो एलिजी किसी की डेथ पर लिखा जाता है, वो भी ऑकेजनल पोइट्री का हिस्सा है। जो ओड होता है, ओड में अगर आप देखेंगे ऐसा ओड जो किसी विक्ट्री को लेकर के या किसी जो है जुबली किसी किसी बिल्डिंग का या किसी ऐसी इवेंट की
जुबली वगैरह जब बनाई जाती थी उस अकेजन पर लिखा जाता था, तो उस चीज़ को भी अकेजनल पोइट्री कहा जाएगा। जैसे स्पेंसर ने, एडमंड स्पेंसर जो एलिजाबेथन एज के पोएट्स थे जिनको पोएट्स पोएट कहा जाता है, उन्होंने क्या लिखा हुआ था, उन्होंने एपिथैलेबियन और प्रोथैलेबियन नाम की पोयम लिखा था जो मैरिज सॉन्ग का, किसी के शादी के अवसर पर, वो पोयम भी अकेजनल पोइट्री है। तो अकेजनल पोइट्री में आपका एलिजी आता है, अकेजनल पोइट्री में आपका मैरिज सॉन्ग आता है, अकेजनल पोइट्री वो भी होती है जो किसी विक्ट्री के या किसी इवेंट की जुबली वगैरह मनाई जाती है उसको भी। तो जो एपिनीकियन है या जो एपिनीसियन है जिससे एसोसिएटेड पिंडर है, वह एक जान रहा है, किसका जान रहा है, अकेजनल पोइट्री का जान रहा है, आल्सो नोन इन इंग्लिश एज विक्ट्री ओड। और एपिनीसियन या एपिनीकियन को विक्ट्री ओड कहा जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि वह ओड जो किसी राजा के, किसी ग्रीक में पहले जो एथलीट होते थे, बड़े बड़े एथलीट होते थे, वो एथलीट जब किसी गेम में विजय प्राप्त करते थे तो उसकी याद में या उस अवसर पर, उसकी याद में या उस अवसर पर जो विक्ट्री पोयम लिखा जाता था उसको ग्रीक में क्या कहा जाता था, एपिनीकियन और एपिनीसियन। इफ़ एनीवन आस्क यू व्हाट इज एपिनीकियन और एपिनीसियन, रिमेंबर दैट एपिनीकियन और एपिनीसियन इज अ टाइप ऑफ अकेजनल पोइट्री दैट इज आल्सो नोन एज विक्ट्री ओड इन इंग्लिश। और एपिनीकियन आपका ग्रीक वर्ड है। इसकी शुरुआत करने वाले कौन थे, पोएट पिंडर थे। अकेजनल पोइट्री क्या होता है, जो किसी अकेजन पर लिखा जाता है, इसमें इसके और भी जानरा है, उनमें से एक जानरा आपका क्या है, एक जानरा आपका एपिनीकियन या एपिनीसियन है। जानरा क्या होता है, जानरा एक तरह का फॉर्म है, टाइप है हम कह सकते हैं जानरा। जैसे अकेजनल पोइट्री एक फॉर्म हो गया, उसके बहुत सारे टाइप्स होंगे जो है, उसी टाइप्स में एक आपका क्या एपिनीकियन या एपिनीसियन है, जो कि इंग्लिश में विक्ट्री ओड के नाम से जाना जाता है। और विक्ट्री ओड क्या होता है, वह ओड होता है जो किसी राजा के ने अगर युद्ध किया और उस युद्ध में उसने विजय प्राप्त की, तो उस अवसर पर या उसकी प्रशंसा में, उसकी बढ़ाई में कोई पोयम लिखा गया। ग्रीक में जो बड़े बड़े एथलीट्स होते थे वो गेम में जब विजय प्राप्त करते थे उसमें जो उनकी, उस अवसर पर जो पोयम लिखा जाता था उसको एपिनीसियन या एपिनीकियन कहा जाता था। उसी को मैंने और एक्सप्लेन किया है कि इन एंशियंट ग्रीस, जो प्राचीन यूनान था, द एपिनीकियन मोस्ट ऑफन टुक द फॉर्म ऑफ अ कोरल लिरिक। जो ग्रीक में होता था एपिनीसियन या एपिनीकियन कोरल लिरिक होता था। कोरल लिरिक कैसा लिरिक होता था, वह लिरिक जो कि किस में गाया जाता था, ग्रुप में गाया जाता था। कोरल लिरिक एक ऐसा लिरिक होता जिसमें अ बैंड ऑफ सिंगर, अ ग्रुप ऑफ सिंगर वी फाइंड, अ बैंड ऑफ सिंगर कमीशन फॉर एंड परफॉर्म एट द सेलिब्रेशन ऑफ एथलेटिक विक्ट्री। और यह ज़्यादातर उस अवसर पर गाया जाता था जब वहाँ पे एथलेटिक विक्ट्री होती थी, जो वहाँ पे एथलीट्स होते थे गेम में जब वो विजय प्राप्त करते थे, तो उस अवसर पर जो पोयम लिखी जाती थी उस पोयम को एपिनीकियन और एपिनीसियन पोयम कहा जाता था, जो कि अकेजनल पोइट्री का एक टाइप है और इंग्लिश में उसको विक्ट्री ओड कहा जाता है। यह कोरल लिरिक फॉर्म में होता था। कोरल लिरिक का मतलब होता था जब इसको परफॉर्म किया जाता था, गाया जाता था, तो कोई एक सिंगर नहीं होता था बल्कि ग्रुप ऑफ सिंगर होते थे। इसके अलावा उन्होंने कहा कि या एथलीट विक्ट्री इन द पैन हेलेनिक गेम्स, जो पैन हेलेनिक, पैन का मतलब संपूर्ण, हेलेनिक यहाँ पे ग्रीक के लिए, पूरे ग्रीक में जो एक गेम का आयोजन किया जाता था उसमें जो विक्ट्री प्राप्त करता था, उस पैन हेलेनिक गेम्स के अवसर पर या उस विजय की याद में इस तरह की पोयम लिखी जाती थी। एंड समटाइम्स इन आनर ऑफ अ विक्ट्री इन वार, कभी कभी यह पोयम जो है कोई राजा जब युद्ध में विजय प्राप्त करता था तो उस याद में लिखा जाता था। मेजर पोएट्स इन द जानरा, इस जानरा से, कौन से जानरा से, एपिनीसी, जिससे पिंडर बिलोंग करते हैं, जिसको एपिनीकियन या एपिनीसियन भी कहा जाता है। यह जो जानरा था जो अकेजनल पोइट्री का हिस्सा है, इसके अंतर्गत जो मेजर पोएट्स आते हैं उसमें एक पोएट्स का नाम है सीमोनीडेस। सीमोनीडेस SIMONIDES। हमें इसे ये भी याद रखना है, अगर पिंडर को पूछा जा सकता है कि पिंडर किस पोयम या किस तरह का पोयम लिखे हुए हैं, उसका अगर ऑप्शन दिया है एपिनीसी, एपिनीसी ग्रीक वर्ड एपिनीकियन एपिनीसियन से आया हुआ है,
जो जॉनर ऑकेजनल पोइट्री का है, तो पिंडर के अलावा और कौन कौन से पोएट थे, ग्रीक पोएट थे जो इस तरह की पोएम लिखा करते थे। उसमें से एक और पोएट है सीमोनीडेस, SIMONIDES। दूसरे पोएट का नाम है बैकिलाइड्स, BACHYLIDES। दूसरे पोएट का क्या नाम है, बैकिलाइड्स, BACHYLIDES। तीसरे पोएट का क्या नाम है, पिंडर, PINDAR, पिंडर। तीसरे पोएट का क्या नाम है, पिंडर। तो इस तरह से तीन पोएट थे जिन्होंने ऑकेजनल पोइट्री, या आप कह सकते हैं जो APDC से जुड़े हुए थे, उन्होंने लिखा। अ लेटर कॉन्ट्रीब्यूटर, इसी तरह की पोएम में एक दूसरे जो पोएट थे जिन्होंने कॉन्ट्रीब्यूट किया, अ लेटर कॉन्ट्रीब्यूटर टू द जॉनरा वाज कैलीमेकस। एक और पोएट थे जिनका नाम था कैलीमेकस, उन्होंने स्पेलिंग किया कैलीमेकस, CALLIMACHUS, कैलीमेकस। एक जो दूसरे पोएट थे जिनका नाम कैलीमेकस था, जो इस तरह की चीज़ से जुड़े हुए थे, वो भी बहुत मायने रखते हैं। दूसरा पॉइंट इसी को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने बताया या जो अपने नोट्स में मैंने बनाया है कि पिंडर वॉज एन एंशियंट ग्रीक लिरिक पोएट। पिंडर कहाँ के पोएट थे, ग्रीक लिरिक पोएट, उन्होंने लिरिक लिखा और उनका जो लिरिक है उसको किसके नाम से जाना जाता है, APDC के नाम से जाना जाता है। APDC कहाँ से आया है, ग्रीक वर्ड APDICIAN या APDICIAN से आया हुआ है। ये जो APDICIAN या APDICIAN है, या ऑकेजनल पोइट्री का एक टाइप है, जॉनरा है। और एक किस समय लिखा जाता था, इसको इंग्लिश में विक्ट्री ओड कहा जाता है, VICTORY, विक्ट्री ओड के भी नाम से जाना जाता है। अब उसके बाद एक और पॉइंट आ रहा है कि अगर पिंडर वाज एन एंशियंट ग्रीक लिरिक पोएट फ्रॉम थीब्स, कहाँ से थे, थीब्स से बिलोंग करते थे। उनके अलावा उन्होंने और भी कई बुक लिखा हुआ था, जिसमें एक उनकी बुक है जिसको हम हिमनॉय के नाम से जानते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, हम सबको पता होना चाहिए कि हिमनॉय ग्रीक वर्ड है और इसको जो है क्या कहा जाता है, हिम्न, HYMN, हिम्न। हिम्न क्या होता है, एक ऐसी पोयम या एक तरह का पोयम जो किसी देवी या देवता की स्तुति यानी उसकी वंदना में कंपोज किया गया हो। हिम्न इज़ अ टाइप ऑफ पोयम कंपोज्ड टू प्रेज अ गॉड और गॉडेस। हिम्न जो है एक ऐसी पोयम जो किसी देवी या देवता की प्रशंसा में गाया गया हो, लिखा गया हो, उसको हिम्न कहा जाता है। जैसे APDC था, तो APDC क्या था, या इंग्लिश में विक्ट्री ओड के नाम से जाना गया। वैसे ही हिम्न जो है एक ऐसी कविता, एक ऐसा लिरिक जो किसी देवता की याद में लिखा जाता है, देवता की वंदना या उसकी प्रशंसा में गाया जाता है। इस पर उन्होंने एक किताब लिखी थी। उनका एक दूसरा किताब आया, वन बुक ऑफ पेयानिस, PAEANES। उनका एक दूसरी किताब है PAEANES, इसको क्या कहा जाता है, पीज कहा जाता है, दैट इज PAEANES, दैट इज द पेंस। उनका एक दूसरी किताब थी जो पेंस है, पेंस भी मैं आपको बताऊंगा कि क्या होता है। एक उनकी तीसरी किताब रही है जिसका नाम है डाइथ्राम बॉय, और इसको इंग्लिश में क्या कहा गया, डाइथ्राम्स कहा गया, इसको इंग्लिश में डाइथ्राम्स कहा गया, डाइथ्राम्स भी मैं आपको बताऊंगा। एक उनका किताब है प्रोसोडिया, एक उनकी किताब है प्रोसीडिया को प्रोसेशनल कहा गया। प्रोसेशनल्स क्या होता है, प्रोसेशन एक जुलूस की शक्ल में होता है, अगर ऐसा कोई अवसर है या एक जुलूस की शक्ल में कोई एक पूरा निकला उस समय जो पोएम होता था वो, दैट इज इन ग्रीक में प्रोसोडिया, इंग्लिश में उसको प्रोसेशन कहा गया। एक किताब उनका रहा है पार्थिनिया, पार्थिनिया क्या था, सांग्स ऑफ माइडन, पार्थिनिया सांग्स ऑफ माइडन था, MAIDENS था, सांग्स ऑफ माइडन। एक और उनकी किताब रही है जिसका नाम है बुक ऑफ हिपोर के माटा, सांग्स ऑफ लाइट डांस, हल्के से डांस को क्या कहा गया, बुक ऑफ हिपोर के माटा।
अगर आप यहाँ पे देखिए तो हम ये नहीं कहते हमें ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट लग रही है, लेकिन हमें कुछ चीज़ें जानना ज़रूरी है। जैसे हमें APDC जानना ज़रूरी है कि APDC जो मैंने एक्सप्लेन किया, फिर हमें जानना ज़रूरी है हिम्न। हिम्न जो है ग्रीक वर्ड हिम्नॉय से आया है, और हिम्न का क्या मतलब होता है? हिम्न का मतलब है कि एक ऐसा गीत, अ टाइप ऑफ पोएम कंपोज्ड टू एडमायर गॉड, जो किसी गॉड की प्रशंसा में या उसकी स्तुति में गाया गया होगा, उसको क्या कहा जाएगा? उसको हिम्न कहा जाएगा। तो दिस इज द पॉइंट। यू कैन सी यहाँ पे जो पूरा नोट्स था उसको आप देख सकते हैं। अगर आपको इस नोट्स की ज़रूरत महसूस होती है तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इस नंबर पर 8188656653। इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। लाइव क्लास के लिए भी आप इस पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये चीज़ रही। अब मैं दूसरे पेज को कवर करूँगा। फिर से मैं बताना चाहूँगा कि इस पेज में जो मैंने आपको बताया है वो ये बताया कि पिंडर जो ग्रीक पोएट है, जो कि ओड भी उन्होंने लिखा जिसे पिंडारिक ओड कहा जाता है, उनकी ओड को ट्रिम्फल ओड इस तरह से भी नाम दिया गया, या ओड ऑफ विक्ट्री भी कहा गया, उसी को ग्रीक में क्या कहा जाता है? APDC। ये ऑप्शन सही है। मीरांडर एक राइटर है जो लिरिक पोइट्री से बिलोंग ना करके बल्कि न्यू कॉमेडी से बिलोंग करते हैं, तो ये ऑप्शन आपका गलत रहा है। इसी तरह से सैफो लिरिक पोइट है, सैफो पे मैं बाद में बात करूँगा। एरिस्टोफेंस एक उन्होंने ओल्ड कॉमेडी को जन्म दिया, इस पर भी मैं डिटेल में आपको बाद में बात करूँगा। अब उसके बाद अगर हम बात करते हैं सेकेंड पेज पर, सेकेंड पेज पर भी अगर आप देखेंगे कि जो उन्होंने किताबें लिखी हैं उसी किताब को लेकर के बात की जा रही है, कि एक बुक है उन्हीं के द्वारा लिखी गई। किसके द्वारा लिखी गई है? दैट इज़ पिंटर के द्वारा। अ बुक फॉर इनकॉमिया, एक ऐसा बुक जो कि सांग्स ऑफ प्रेज, किसी की प्रेज में गाया जाता है, उसको बुक ऑफ इनकॉमिया कहा जाता है। तो एक ऐसी किताब जिसे आप कह सकते हैं बुक ऑफ इनकॉमिया है, इनकॉमिया की सांग्स ऑफ प्रेज होता है। एक और किताब उन्होंने लिखा हुआ था जिसका नाम है थ्री नॉय। क्या नाम है? थ्री नॉय। हियर इज थ्री नॉय। थ्री नॉय का मतलब होता है लैमेंट, विलाप करना। ये पूछा जाता है थ्री नॉय क्या है, ये भी अकेजनल पोएम का हिस्सा है। कैसे अकेजनल पोएम का हिस्सा है? थ्री नॉय जो है थ्री नॉडी, एक थ्री नॉडी एक शब्द है जो टाइप ऑफ एलिजी होता है, जिसमें जो है क्या होता है कि जो लैमेंट करने वाला होगा वो बहुत ज़्यादा रोता है, तो लैमेंटिंग सॉन्ग होता है ऑफ द डेथ ऑफ समवन। तो थ्री नॉय इज अ लैमेंटिंग सॉन्ग एंड इट्स अ जॉनर ऑफ अकेजनल पोइट्री। इनकॉमिया क्या है? सॉन्ग्स ऑफ प्रेज होता है। फिर एक और उन्होंने चार किताबें लिखी जिसका नाम एपिनिकिया है। एपिनिकिया अभी मैंने डिस्कस किया था कि ये विक्ट्री ओर से संबंधित होता है। किससे संबंधित है? विक्ट्री ओर से। तो एपिनिकिया इज एसोसिएटेड विद विक्ट्री ओर्स। आगे है ऑफ दिस वास्ट एंड वेरीड कार्पस, ये जो इतना विशाल इनका किताबों की संरचना है किसका? पिंडर का। इसमें से केवल एपिनिकिया ओर्स, जो एपिनिकिया जिसे इंग्लिश में विक्ट्री ओर्स कहा जाता है, जो अकेजनल पोइट्री का हिस्सा है, रिटन टू कमीमोरेट एथलीट विक्ट्रीज, ये जो लिखा गया था किसकी विक्ट्रीज को बनाने के लिए लिखा गया था? एथलीट विक्ट्रीज को बनाने के लिए ये लिखा गया था। सर्वाइव इन कम्प्लीट फॉर्म, यही किताब है जो पूर्णतया जो है मौजूद है, बाकी और सब टुकड़ों में मौजूद है। तो इतने हिस्से को मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। इनकॉमिया एक तरह का एक ग्रीक पोयम है जिसका इंग्लिश में मतलब होता है सॉन्ग्स ऑफ प्रेज। एक दूसरी पोयम है जिसका नाम है थ्री नॉय। थ्री नॉय जो है यह अकेशनल पोइट्री का एक जानरा है, ये लैमेंटिंग सॉन्ग होता है जो किसी की डेथ पर लिखा जाता है। एपिडिकिया आपका क्या है? विक्ट्री ओड है। और इन सब के लिखने वाले कौन रहे हैं? आपके पिंडर रहे, पिंडर उन्होंने लिखा हुआ था। उनका ये जो विशाल रचना रही है उनमें से केवल एपिडिकिया ओड्स जो रहा है, दिस एपिडिकिया ओड्स, यही अकेले पूर्ण रूप से मिलता है। और एपिडिकिया ओड्स किसकी याद में लिखा गया था? इट वॉज रिटन टू कमीमोरेट एथलेटिक विक्ट्रीज सर्वाइव इन कम्प्लीट फॉर्म, जो पैन हेलेनिक आपका गेम होता था। पैन का मतलब
संपूल हेलेनिक है, यहाँ पे ग्रीक में जो पूरे ग्रीक में या पूरे ग्रीक के जो बड़े बड़े एथलीट्स होते थे उनको लेकर के जो गेम होता था उसमें जो विक्ट्री प्राप्त करता था उसकी प्रशंसा में या उस अवसर पर जो ओड लिखा जाता था तो उसके में फेमस जो बड़े राइटर थे वो आपके थे। अगला शब्द कुछ मैंने लिया हुआ है जो लिटरेरी टर्म का हिस्सा है उसको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने यहाँ पे कोशिश की है। एक शब्द है पेपिरस, PAPYRUS, ये लिटरेरी टर्म का हिस्सा है, ये पूछा जा चुका है, किसमें पूछा जा चुका है, TGT PGT में भी पूछा जा चुका है, तमाम कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। पेपिरस क्या होता था, यह एक मटेरियल होता था सिमिलर टू थिक पेपर, जो कि जो है घने पेपर जैसा होता था, किसके जैसा, थिक पेपर जैसा होता था, दैट वाज यूज्ड इन एंशियंट टाइम एज अ राइटिंग सरफेस, जो प्राचीन समय में यूज़ किया जाता था उस पर लिखने के लिए। द इंग्लिश वर्ड पेपिरस डिराइव्स वाया लैटिन फ्रॉम ग्रीक पेपिरोस, जो पेपिरस वर्ड है या इंग्लिश है लेकिन या किससे आया हुआ है, ग्रीक वर्ड पेपिरोस है, PAPYROS पेपिरोस है। तो यू आर गेटिंग हियर कि अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पेपिरस क्या है, तो पेपिरस एक जो है मटेरियल होता था जो कि सिमिलर होता था, किसके सिमिलर होता, थिक पेपर के सिमिलर, और उस पर जो उसके सरफेस पर लिखा जाता था। उस समय जब कागज़ का आगमन नहीं हुआ था, कागज़ का एक तरह से पता नहीं लगाया गया था, तो चीज़ें पेपिरस पर लिखी जाती थी। इफ़ एनीवन आस्क यू व्हाट इज़ पेपिरस, इट्स अ मटेरियल सिमिलर टू थिक पेपर दैट वाज यूज्ड इन एंशियंट टाइम एज अ राइटिंग सरफेस। द इंग्लिश वर्ड पेपिरस डिराइव्स वाया लैटिन फ्रॉम ग्रीक पेपिरस, जो इंग्लिश वर्ड आपका पेपिरस है या कहाँ से आया हुआ है, लैटिन और ग्रीक शब्द पेपिरोस से, PAPYROS। नेक्स्ट शब्द जो मैंने लिया हुआ है दैट इज पियन, पियन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तरह का पोयम है, याद होगा जो मैंने अभी पिंटर का पूरा लिस्ट बनाया हुआ था तो उसमें ये आया हुआ था। पियन क्या है, इज़ अ सॉन्ग और लिरिक पोयम, पियन इज़ अ ग्रीक वर्ड या एक सॉन्ग है या लिरिक पोयम है आप कह सकते हैं, इट्स अ सॉन्ग और लिरिक पोयम एक्सप्रेसिंग ट्रिम्फ और थैंक्स गिविंग, या एक ऐसी पोयम है जिसमें किसी के विजय के को लेकर के जो है पोएट अपनी बातों को रखता है या वो थैंक्स गिविंग में अपनी बातों को रखता है। पेयर वॉज ऑल्सो द नेम ऑफ अ डिवाइन फिजिशियन, पेयर यह एक डिवाइन फिजिशियन का भी नाम था, एंड एन एपिथेट ऑफ अपोलो, और यह अपोलो का एपिथेट था। एपिथेट क्या होता है, एक इम्पॉर्टेंट शब्द है एपिथेट, एपिथेट का मतलब ये होता है कि किसी शब्द की जगह बाईपास करके कोई दूसरा शब्द लाया जाए, जैसे अपोलो है तो अपोलो को अगर आप पेयर कहेंगे तो यह जो है पेयर भी अपोलो, अपोलो भी पेयर, चाहे आप पेयर वर्ड यूज़ करिए चाहे आप अपोलो, तो अगर जो है अपोलो की जगह पेयर वर्ड यूज़ किया जाएगा तो यह अपोलो के लिए आया हुआ है लेकिन उस अपोलो शब्द को बाईपास करके वहाँ पे, तो इस चीज़ को क्या कहा जाता है लिटरेरी टर्म में, एपिथेट कहा जाता है। तो हमने कितनी चीज़ों को समझा, हमने एक तो समझा कि पेपिरस जो कि एक मटेरियल है सिमिलर टू थिक पेपर है एंशियंट ग्रीक में या एंशियंट टाइम में उस पर क्या किया जाता था, लिखा जाता था, और पेपिरस जो है ग्रीक वर्ड पेपिरोस से आया हुआ है। फिर मैंने देखा क्या है पेयान, पेयान क्या है, यह एक सॉन्ग होता था या लिरिक पोयम होता था एक्सप्रेसिंग ट्रिम्फ और थैंक्स गिविंग, जिसमें जो है किसी विजय के अवसर पर जो पोएट होता था वो अपनी इमोशंस या फीलिंग्स को एक्सप्रेस करता था या थैंक्स गिविंग कहता था। पेयन जो है यह एक डिवाइन फिजिशियन का भी नाम था और यह जो एक तरह सा एपिथेट भी है, किसका, अपोलो का एपिथेट है, वन ऑफ ओलंपियन डेटीज, अपोलो कौन है, ओलंपियन डेटीज थे, अपोलो कई बार पूछा जा चुका है अपोलो कैसे गॉड थे, ओलंपियन डेटीज थे, अपोलो एक ऐसे गॉड थे, जब भी पैन हेलिनिज्म में या पूरे ग्रीक में एथलीट्स वगैरह जब वो किसी गेम में पार्टिसिपेट करते थे तो अपोलो की जो है क्या होती थी वहाँ पे जो है डेटीज, वो अपोलो एक डेटीज था और उनकी पूजा होती थी, तो वो एक ओलंपियन डेटीज थे। नेक्स्ट शब्द है डाइथ्राम,
इट वॉज एट एल्सियड ग्रीक, डाइथराब एक एल्सियड ग्रीक हिब्ड है, एल्सियड डाइथराब यह भी एक हिब्ड है, हिब्ड का मतलब होता है भजन, एक ऐसी पोयम जो किसी ईश्वर की स्तुति के लिए गाया गया हो। इट वॉज एन एल्सियड ग्रीक हिब्ड संग एंड डांस्ड इन ऑनर ऑफ डायनीसियस, और यह गाया जाता था डांस के साथ गाया जाता था, किसकी प्रशंसा में, डायनीसस की प्रशंसा में। डायनीसस कौन थे, द गॉड ऑफ वाइन एंड फर्टिलिटी, डायनीसस गॉड ऑफ वाइन और फर्टिलिटी थे। तो जो इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा वो यही बनेगा कि दो गॉड को हमने लेकर के बात किया, एक तो अपोलो जो ओलंपियन डेटीज थे, ओलंपियन डेटीज थे, और जब भी पैन हेलिनिज्म पैन ग्रीक में खेलों का आयोजन किया जाता था तो उनकी प्रशंसा उनकी 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 स्तुति होती थी। और अपोलो का एपिथेट क्या है, पेयियन है, पेयियन क्या है, एक सॉन्ग भी है, लिरिक फॉर्म भी है, लेकिन उनकी अपोलो नाम को हटा करके अगर कोई पेयियन वर्ड यूज़ करता तो वो अपोलो के लिए ही आता। इसी तरह से जो डाइथराम है ये बताया गया कि यह एंशिएंट ग्रीक में एक हिम्न होता था, एक सांग होता था, जो कि किस देवता की स्तुति में गाया जाता था, डाइनीसस की, डी आई ओ एन वाई एस यू एस, और डाइनीसस क्या है, द गॉड ऑफ वाइन एंड फर्टिलिटी। द टर्म वॉज आल्सो यूज एज एन एपी द टर्म वॉज आल्सो यूज एज एन एपिथेट ऑफ द गॉड, कह रहे कि यह जो टर्म है इसको यूज़ किया जाता था एक एपिथेट के रूप में, गॉड के लिए भी यूज़ किया जाता था। मैंने बताया था कि मैं आपको एपिथेट भी या सारे शब्दों को एक्सप्लेन करूँगा। नेक्स्ट जो हमारा लिटरी टर्म है वो कौन सा लिटरी टर्म है, वो एपिथेट है। एन एपिथेट इज आल्सो अ बाई नेम, एपिथेट जो है यह एक बाई नेम है, किसी का अगर कोई दूसरा नाम है या किसी के नाम को जो है क्या करके बाईपास कर, बाईपास का मतलब यहाँ पे ये है कि उसको रिप्लेस करके कोई दूसरा नाम रखा जाए, दैट इज एपिथेट। एन एपिथेट इज आल्सो अ बाई नेम इज अ डिस्क्रिप्टिव टर्म, या एक टर्म है, वर्ड है या फ्रेज है, कॉमनली एकम्पनिंग और आकरिंग इन प्लेस ऑफ द नेम ऑफ अ रियल और फिक्टिटियस पर्सन, या किसी रियल या फिक्टिटियस पर्सन का नाम हो सकता है, प्लेस का भी नाम हो सकता है, थिंग का भी नाम हो सकता है। जैसे मैंने बताया कि जो आपके अपोलो जो कि ओलंपिया डेटीज थे, अपोलो जो कि ओलंपिया डेटीज थे, अपोलो जो ओलंपिया गॉड गॉड थे, उनका एपिथेट क्या है, उनका एपिथेट पेयियन, उनका एपिथेट पेयियन है। इसी तरह से यहाँ पर बताया जा रहा है कि एपिथेट एक तरह से या बाई नेम होता था या एक डिस्क्रिप्टिव टर्म होता है जो किसी वर्ड या फ्रेज के रूप में आता था, कामली एकपरिंग और आर्करिंग इन अ प्लेस, जो किसी जगह पर घटित होता था, ऑफ द नेम किसी रियल या फिक्टिटियस पर्सन प्लेस या थिंग की जगह इसका यूज़ किया जाता था। सो इन दिस शीट यू बिकेम एबल टू अंडरस्टैंड इनकॉमिया, इनकॉमिया क्या है, सॉन्ग्स ऑफ प्रेज, थ्री नॉय क्या है, सॉन्ग्स ऑफ लैमेंट, एपिडिकिया क्या है, सॉन्ग्स ऑफ विक्ट्री। इन सब में महारत किसको थी, पिंडर को थी, इसमें से पिंडर ने जितने भी चीज़ें जो है लिखी हुई है उसमें से जो रिटन फॉर्म में पूरा अवेलेबल है वो कौन सा चीज़ अवेलेबल है, एपिडिकिया अवेलेबल है। एपिडिकिया क्या होता है, एक ऐसा गीत जो कि किसकी जो है कमी, किसकी कमेमोरेशन में लिखा जाता था, एथलेटिक विक्ट्रीज की कमेमोरेशन में लिखा जाता था, यही सरवाइव करता। फिर मैंने बताया पेपिरस क्या है, यह एक मटेरियल होता था जो थिक पेपर जैसा होता था, उस पर लिखा जाता था, और ये ग्रीक वर्ड पेपिरॉस से आया हुआ, ये मैंने बताया। फिर मैंने बताया पेयर क्या है, पेयर एक सॉन्ग है या लिरिक पोयम है, और इसमें यह उस अवसर पर लिखा जाता था जब किसी को ट्रिम्फ या थैंक गिविंग होता था। पेयर जो है एक डिवाइन फिजिशियन का भी नाम था, और यह एपिथेट है किसका, अपोलो का है। डाइथराम क्या था, या ग्रीक हिम्न था, एक भजन था जो डाइनीसियस के आनर में क्या किया जाता था, गाया जाता था। डाइनीसियस क्या थे, गॉड ऑफ वाइन या फर्टिलिटी थे। फिर मैंने आपको बताया एपिथेट को लेकर के कि एपिथेट बाई नेम या वर्ड होता है या फ्रेज होता है जो किसी एक, आप कह सकते हैं कि किसी प्लेस या थिंग या फिक्टिटियस पर्सन या रियल पर्सन की जगह उस नाम का यूज़ करके उसकी खासियत को बताने के लिए यूज़ किया जाता है।
नेक्स्ट यू आर, नेक्स्ट जो शीट है उसमें एक शब्द है प्रोसोडियन, प्रोसोडियन दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोसोडियन जो है क्या है, इन एंशियंट ग्रीक प्रोसोडियन वाज अ प्रोसेशनल सॉन्ग। जो ग्रीक प्रोसोडियन एक ग्रीक शब्द है, इसका मतलब क्या होता है, प्रोसेशनल सॉन्ग, ऐसा सॉन्ग जो प्रोसेशन जब जुलूस वगैरह निकाला जाता था उस समय ये गाया जाता था। टू द अल्टर, अल्टर माने होता था वेदी, जब किसी देवता के नाम पे कोई बलिवेदी वगैरह बलि दी जाती थी या किसी देवता का जो वेदी होती थी वहाँ पे लोग इकट्ठा होते थे। और कौन से देवता, अपोलो नाम के देवता, अपोलो नाम के देवता को। तो अगर देखिए हम लोगों ने अभी तक तीन देवताओं को लेकर के यहाँ पे पढ़ा, अभी जो नाम आ रहा अपोलो, APOLLO। दूसरे देवता का क्या नाम था, डायडीसियस, DIONYSUS। एक और देवता थे, अपोलो हो गए, डायडीसस हो गए, एक और देवता थे उनको मैं मिस कर रहा हूँ वहाँ पे थे। तो इस तरह से तो जो प्रोसोडियन था ये एक प्रोसेशनल पोएम था जो अपोलो नाम के देवता के, अपोलो ऑफ आर्टेमिस के उसमें होता, संग वर्चुअली बिफोर द पेयन हिम। फिर मैंने आपको बताया था कुछ चीज़ें और मैं एक्सप्लेन करूँगा, जैसे यहाँ पे अकेजनल पोइट्री आया। अकेजनल पोइट्री क्या है, अकेजनल पोइट्री इज़ अ पोइट्री कंपोज्ड फॉर अ पार्टिकुलर अकेजन। अकेजनल पोइट्री कैसी पोइट्री जो पार्टिकुलर अकेजन पर लिखी जाती है। इन द हिस्ट्री ऑफ लिटरेचर इट इज़ ऑफन स्टडीड इन कनेक्शन विद ओरैल्टी। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर भी ओरैल्टी के फॉर्म में देखने को मिलता है, परफॉर्मेंस के रूप में होता है और पैटर्नेज के रूप में। यहाँ नीचे दिया गया केंद्रल पोइट्री का कुछ एग्जांपल, जैसे एपिथैलेमिया। एपिथैलेमिया क्या है, वेडिंग सॉन्ग होता है, ये केंद्रल पोइट्री है। और वी ऑल नो पोएट्स, पोएट एलिजाबेथन पोएट एडमंड स्पेंसर हैज़ रिटन एपिथैलेमियन एंड प्रोथैलेमियन, उन्होंने लिखा हुआ था। डर्ज जो होता है या क्या होता है, मोनोडी थ्रीनोडी डर्ज या फ्यूनरल सॉन्ग होता है, या भी जो है एलिजी का टाइप होता है और फ्यूनरल पोएम है, यह भी अकेजनल पोइट्री का हिस्सा है। पेयंस क्या है, विक्ट्री ओड है, यह भी अकेजनल पोइट्री का हिस्सा है। तो इन दिस वे वी केम टू नो अबाउट प्रोसोडियन, अकेजनल पोइट्री, अपोलो के बारे में, डायडिसस के बारे में, अकेजनल पोइट्री के टाइप्स के बारे में। तो आई थिंक यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। फॉर एनी क्वेरी, फॉर एनी क्लास, या इफ़ यू वॉन्ट टू गेट अ पेड क्लास और सब्सक्राइब क्लास, यू कैन कॉन्टैक्ट मी हियर ऑन दिस नंबर, दैट इज़ वॉट, दैट इज़ 8188656653। थैंक्स।